हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसोल्यूशन मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि सिविल बैकग्राउंड से होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिविल बैकग्राउंड से होंगे ही नहीं, बट वो सिविल में आने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सिविल के बीच में है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है। आइए डीप में समझते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है, सिविल इंजीनियरिंग करने से बेनिफिट क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग करके कौन कौन से इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। सो अगर आपका कोई दोस्त, कोई भी है जो सिविल इंजीनियरिंग माना चाहता है, उसको वीडियो शेयर कर सकते हो। कोई भी है, अगर आप उसको भेजते हो तो आपका डेफिनेटली उसको बहुत हेल्प हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें सिविल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले चीज की, व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? भाई, सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है? आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, अभी वीडियो देख रहे हो ना, पूछ लो व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, तो आप परफेक्ट डिफिनेशन नहीं बता पाओगे। व्हाई सिविल इंजीनियरिंग, क्यों करें भाई सिविल इंजीनियरिंग? मतलब हमारे पास तो लाखों का पैकेज लेने वाले कंप्यूटर साइंस वाले भी है, तो हम वहां ना जाए, ठीक है, लेकिन कहाँ कंप्यूटर साइंस, तो कहाँ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का अलग मजा है, वो बात की बात है, लोगों को पता नहीं वहां पहुंचना कैसे है। वेयर कैन वी वर्क, कहाँ काम कर सकते हो, कौन कौन सी टाइप्स की कंपनीज होती हैं, हु इज एलिजिबल, मतलब कौन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, 12th पास, 11th पास, या फिर बीटेक, एमटेक, या फिर जो भी डिग्रीज हैं। जॉब, सिविल इंजीनियरिंग जॉब परस्पेक्टिव्स, कौन कौन से जगह पर जाएं, की ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम में दे दे रहा हूँ, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, आप गूगल देवता से पूछोगे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे गाइज। नीड ऑफ ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्या, तो वो भी समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग्स। सिविल इंजीनियरिंग्स इज अ प्रोफेशनल इंजीनियर डिसिप्लिन दैट डील्स विथ डिजाइन, व्हाट डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल बिल्ट अप एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग वर्क लाइक रोड, ब्रिज, कैनाल, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। मतलब हम लोग रोड भी बनाते हैं, कहते ना वी आर क्रिएटर, तो हम लोग रोड भी बनाते हैं, एक्चुअल क्रिएटर हम लोग हैं, रोड भी बनाते हैं, ब्रिज भी बनाते हैं, कैनाल भी बनाते हैं, डैम भी बनाते हैं, बिल्डिंग भी बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग जो है बहुत ब्रॉड है। आप देखिए कि रोड का भी सारा काम, पूरी दुनिया में कितने रोड्स है, ब्रिज का पूरा काम आपके अंडर में है, कैनाल आपके अंडर में है, डैम आपके अंदर में, बिल्डिंग जिस पर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि बिल्डिंग पर जॉब ज्यादा मिल जाती है, तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग होता है। बाकी आप इसको, इस पीपीटी को मैं आपको लिंक बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर अध्ययन कर सकते हो डीप में। आइए सिविल इंजीनियरिंग के थोड़े से सोर्सेस देखते हैं, जो सबसे मेन हमारे काम की चीज है। भाई सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जा कहाँ कहाँ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। पता चला हमने कर तो लिया, कई लोग आप इसे कर चुके होंगे, लेकिन वो करने के बाद अब जाए कहाँ पर, जॉब कौन कौन से इंडस्ट्री में देखें। तो भाई अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप बहुत इजिली स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आपको मजा आता है, बहुत अच्छा है, पैसा बहुत ज्यादा है वहां पर। अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत से ऑप्शंस होते हैं। 3D विजुलाइजर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया 3D वगैरह बनाना स्टार्ट कर दो और उसके बाद उसकी प्रोफाइल में आप जा सकते हो, और अच्छा स्कोप है। 3D विजुलाइजर बोलते हैं, 3D मॉड्यूलर बोलते हैं, बी मॉड्यूलर भी बोलते हैं, इस प्रोफाइल में जाइए, आपको काफी डिमांड मिलेगा। आपको इसमें भी मान लो इंटरेस्ट नहीं है, प्लानिंग वनिंग करने में अच्छा लगता है आपको, अच्छा, ठीक है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में चले जाइए, इसमें 3D विजुलाइजर का भी काम रहेगा, प्लानिंग का भी काम रहेगा, बेस्ट स्कोप, बेस्ट मनी आपको मिल जाएगा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर। आपको सब कुछ सिस्टमेटिक करने की आदत है, मतलब आप कई लोग होते हैं ना लाइफ में बहुत सिस्टमेटिक करना चाहते हैं चीजों को, तो भाई आप बीम इंजीनियरिंग में जाओ, यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इंजीनियरिंग में जाओ, वहां पर सब कुछ सिस्टमेटिक आपको करने के लिए दिया जाएगा, आपका काम ही वही होगा। प्रोजेक्ट प्लानर, प्लानिंग इंजीनियर आप बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, बीम मैनेजर बन सकते हैं, बीम मॉड्यूलर भी बन सकते हैं, बीम डिटेलर भी बन सकते हैं। बीम के अंदर बहुत ढेर सारी प्रोफाइल है, बीम के स्पेशली मेरी 2-3 वीडियोज हैं जो कि आप डालना बीम लाइव वेबिनार, तो मैंने वेबिनार किया था यूट्यूब पे, तो वहां से आपको आइडिया लगे कि बीम कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। चलिए, आपने कहा सर ना मुझे बीम में इंटरेस्ट है, ना आर्किटेक्चर में है, ना स्ट्रक्चर में है, ना ही 3D विजुलाइजर में है, ठीक है, तो किस में, एस्टिमेशन में है क्या?
अगर एस्टिमेशन में आपको मजा आता है कि मुझे एस्टिमेट करना है, मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, आपको लगता है ये इतने का होगा, ये इतने का, इतने का, इतने का पड़ेगा, आप चले जाओ ना एस्टिमेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ऑफिशियल जॉब है, मैं कोशिश करता हूँ उसमें मैक्सिमम ऑफिशियल जॉब है, एक दो जॉब को छोड़ के मुझे ऑफिशियल जॉब ही मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वही सबसे बेस्ट जॉब रहती है एज पर माई एक्सपीरियंस। बाकी सबका अपना अलग हो सकता है। एस्टिमेशन इंजीनियर के लिए आप अगर जाते हो तो क्वांटिटी सर्वे के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, उनको यूज कर सकते हैं, सीख के आप अच्छे से कर सकते हो। जीआईएस इंजीनियर आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे, सिविल 3D सॉफ्टवेयर सुनते होंगे ना आप लोग, सिविल 3D पर स्कोप बहुत बढ़ रहा है। जब से टोटल स्टेशन आया, टोटल स्टेशन की रेडिंग को लेकर सिविल 3D पर मैचिंग करते हैं, वो पूरा काम आपका जीआईएस इंजीनियरिंग में आता है। और जीआईएस का खुद का भी सॉफ्टवेयर है, कई लोग वो यूज करते हैं, कई लोग सिविल 3D यूज करते हैं। इसमें भी ऑफिशियल जॉब है और आप इसमें भी जा सकते हैं भाई। इसके बाद है सर्वे इंजीनियरिंग। कई लोग को सर्वे वर्वे करने में बड़ा, जो अपने कॉलेज लाइफ में काफी घूमे रहते हैं, समझ रहे हो ना कैसे घूमे होते हैं, तो वो लोग थोड़े से सर्वे करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर ऐसे लोग अभी भी भ्रमण कर रहे हैं या इच्छा नहीं भरी हुई उनकी भ्रमण करने की, तो सर्वे इंजीनियरिंग में चले जाइए, आपको हर जगह पे भ्रमण करने का मौका मिलेगा। घूमिए, टहलिए, मौज करिए और साथ ही साथ पैसा भी अच्छा खासा कमा लेंगे। इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, प्लानिंग इंजीनियरिंग में आ जाओ ना भाई, जो कि बीम इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। कैसे, क्या, कब तक हो जाएगा, सब कुछ सिस्टमेटिक करना, दैट इज योर प्लानिंग इंजीनियरिंग। आप इसके अंदर भी करियर बना सकते हो। तो आप सोचिए कि आपके सामने मैंने अभी अभी 3, 3, 6, 2, 8 प्रोफाइल्स दे दी है। बिलीव करिए, इसमें से किसी भी प्रोफाइल में अगर आप एक्टिव हो जाते हैं अच्छे तरीके से, भर भर के आप पैसे कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग होगी, अच्छी जॉब होगी, प्लस आप खुद का फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं इसमें से किसी भी एक जॉब। मेरा फेवरेट दो तीन है, जैसे कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मेरा फेवरेट है, बीम मेरा फेवरेट है, आर्किटेक्चर और 3D विजुलाइजर मेरा फेवरेट है। इधर वाले मेरे फेवरेट हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपकी जहाँ पे मर्जी है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं भाई क्यों करे सिविल इंजीनियरिंग। आपके घर वाले पूछते होंगे ना, वाई सिविल इंजीनियरिंग? देखो उन शर्मा जी का लड़का जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर वर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, तो फिर आप ये क्यों करना चाहते हो? तो एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू टू ए सिविल इंजीनियर्स विल बी नीडेड टू मैनेज द प्रोजेक्ट टू रीबिल्ड ब्रिजेस, रिपेयर रोड्स एंड अपग्रेड लेवल ऑफ डैम्स। ठीक है भाई, देखो धीरे धीरे क्या होगा, आपको डैम का लेवल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, डैम आपके दूसरे बनेंगे और रिपेयर होंगे, ब्रिज आपके बढ़ेंगे क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी। आप लोग देख रहे हो किस हिसाब से हम लोगों ने लॉकडाउन में जनसंख्या बढ़ाई है, तो ये सब कहाँ जाएंगे? ब्रिजेस इनके लिए, सबके लिए नया नया बनेगा ना भाई, रोड बनेगा सबके लिए, रोड रिपेयर होगा, तो इन सब में किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? सिविल इंजीनियरिंग की। बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग का भी एक एज होता है, उस एज के बाद बिल्डिंग ब्रेकडाउन होगी, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, तो उसमें भी कौन बैठेगा? सिविल इंजीनियर्स। तो भाई सिविल इंजीनियर का स्कोप कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जब तक दुनिया रहेगी दुनिया को सजाना तो पड़ेगा, सजाने का काम कौन करता है? सिविल इंजीनियर। ठीक है, सजाने का पूरा काम, जितना कहते हैं ना लोग किसी भी शहर में जाते हैं, फिर बोलते हैं यार वहां की बिल्डिंग इतनी अच्छी अच्छी थी, मतलब शहर की खूबसूरती वहां की बिल्डिंग्स पे होती है, और वो किसके अंडर में आता है? हमारे अंडर में आता है। और दूसरा क्या देखते हैं यार, पूछो मत, मतलब चंडीगढ़ की जो रोड है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है यार पूछो मत, मतलब बैंगलोर के जो हाईवे है ना इतने बेहतरीन है, पूछो मत। तो ये सब कौन कर रहा है? मतलब दुनिया की जो ब्यूटी है वो सिविल इंजीनियर के अंदर में है। तो ब्यूटी के बिना आपको पता है ना, आप लोग लड़की देखने जाते हो तो 4 बार क्या लगाते हो? फेस वॉश लगाते हो, ठीक है, मतलब इतना प्लान करते हो खूबसूरती के लिए। और ये तो मतलब पूरी दुनिया की खूबसूरती सिविल इंजीनियरिंग बढ़ाती है, मतलब समझो कि कितना बड़ा स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गाइस। वेयर कैन वी वर्क? ठीक है, ये भी तो टेंशन होती है ना, चलो कर लिया, मान लो कर लिया या फिर कई लोग कर चुके ही होंगे, तो फिर कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? तो भाई सिविल इंजीनियर्स डिजाइन में सबसे ज्यादा जो मैं फोकस करता हूँ डिजाइनिंग में, क्योंकि सबसे अगर व्हाइट कॉलर जॉब की बात करूँ तो डिजाइन है। बिल्ड्स में, मतलब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सुपरवाइज में, ऑपरेट कहीं पर कुछ करवाना है, मेंटेन करवाना है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड सिस्टम इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट में, टनल में, डैम में, ब्रिज में, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड सीवेज ट्रीटमेंट, मेनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च एंड एजुकेशन। इतनी इंडस्ट्रीज में आप कैरियर बना सकते हो। फिर से बोलूंगा, इसमें से किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर मास्टरी ले लिया आपने, तो बिलीव करिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैरियर अपना डेवलप कर सकते हैं, किसी भी एक में आप स्ट्रांग कर लीजिए खुद को। आइए देखते हैं भाई कौन कौन लोग होते हैं जो कि अपना कैरियर इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। ठीक है, तो सिविल में आप बीटेक वाले भी हो सकते हैं, बी वाले भी हो सकते हैं, एमई वाले भी हो सकते हैं, एमटेक डिप्लोमा भी हो सकते हैं।
ऑफरेसर एंड एक्सपीरियंस लोग भी आ सकते हैं, मतलब कुछ जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ये नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग में, किसी और डोमेन में भी है सॉरी, तो वो उस इंडस्ट्री से भी आके आप स्विच कर सकते हैं। प्लस अगर आपने बीटेक एमटेक बीएमई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो दिस इंडस्ट्री इज बेस्ट फॉर यू। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर बहुत से लोग बोलते हैं जॉब नहीं है जॉब नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसमें बड़ा पैकेज मिल रहा है, इसमें बड़ा पैकेज मिल रहा है। भाई मैं बता दूं, आप क्वालिटी तो ले आओ, सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं है। सबसे बड़ा ड्रीम किसी का क्या होता है आपको पता है? ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम किसी का होता है कि मेरा एक अच्छा सा घर हो, और उस ड्रीम को पूरा करने वाला कौन है? हम है। जो हम ड्रीम को पूरा करने वाले, तो हम कैसे कम पैसे में कर सकते हैं ड्रीम पूरा कर रहे हैं भाई? ठीक है, सेकेंड ड्रीम होता है कि गाड़ी लेंगे मोबाइल लेंगे, ये सब छोटे मोटे ड्रीम है। बड़ा ड्रीम क्या होता है? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग एम होता है लोगों का। लेकिन मोबाइल क्या है, मतलब जो बोलते हैं ना कि ये डोमेन बहुत अच्छा है, डोमेन अच्छा है, हम लोग तो प्लान करते हैं, दूसरे दिन मोबाइल ले लेते हैं, प्लान करके दूसरे दिन घर लो, फिर देखो क्या होता है, हालत खराब हो जाती है। तो अपन बड़ा काम करते हैं, तो इसलिए स्कोप का बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत स्कोप है हमारे इंडस्ट्री में। सिर्फ जरूरत है सही नॉलेज की, और सही तरीके से कैसे उस नॉलेज को यूटिलाइज करें। भाई कैरियर ग्रोथ कैसे होता है इसके अंदर? कई लोग पूछते हैं ना सर सिविल इंजीनियरिंग में प्रोफाइल्स क्या होती होंगी, मतलब जैसे आप डिजाइन के लिए बोलते हो सर, तो डिजाइन में मान लो डिजाइन इंजीनियर की प्रोफाइल हो गई, आगे हमारी प्रोफाइल क्या होगी? आइडिया नहीं रहता ना, तो आप समझो कि आपका कैरियर ग्रोथ कैसे चलता है। देखो वीडियो लंबी क्यों बनेगी, क्योंकि कंटेंट बड़ा होगा, कंटेंट दमदार होगा, तो वीडियो लंबी बन जाएगी। आप नहीं सुनते हो तो ये आपकी गलती है, साथ ही अगर आप शेयर नहीं करते हो तो आप गलत करते हो, क्योंकि फिर आगे भी हम को थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है कि यार लोग सपोर्ट नहीं कर। तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ बट आज इच्छा हुई तो बोल दिया। करियर ग्रोथ इन प्रोस्पेक्टिव्स, उसमें आप भाई ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर्स, जिसमें आप एक्सपीरियंस भी जा सकता है, फ्रेशर भी जा सकता है। अब ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसको आना चाहिए? डिजाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर मैंने दिखाया था, एक स्ट्रक्चर था एक बीम था, मतलब आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर, तो डिजाइन दोनों में हो सकता है। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए जा रहे हो तो भी सेम प्रोफाइल रहेगी आपकी डिजाइन इंजीनियर, और स्ट्रक्चर में जा रहे हो तो भी सेम प्रोफाइल रहेगी डिजाइन इंजीनियर। हो सकता है वहां पर लिख देंगे स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर बस। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन द सेंस साइट वगैरह का भी एक्सपीरियंस हो, वो भी जा सकते हैं। पहला आपका प्रोफाइल अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया, आप समझो कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप सीनियर डिजाइन इंजीनियर बन जाएंगे, चाहे स्ट्रक्चर में है चाहे आर्किटेक्चर में है। ठीक है, और सीनियर डिजाइन इंजीनियर जब काम कर लेता है 5 ईयर 7 ईयर तक हो जाता है, तो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट हेड हो जाता है। और प्रोजेक्ट हेड का मतलब है 1 लाख के ऊपर की सैलरी। ठीक है, 1 लाख के ऊपर की सैलरी प्रोजेक्ट हेड की हो जाती है। और प्रोजेक्ट हेड के बाद जो प्रोजेक्ट हेड होता है उसके, वो जो इसको सबमिट करता है वो होता है डिजाइन हेड। तो वो लास्ट प्रोफाइल होती है जो कि डायरेक्ट कंपनी के ऑनर से टॉक करता है, डिजाइन हेड। वो पूरा टीम उसके अंदर में होती है। ठीक है, ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर के अंदर यहाँ पर एक टीएल रहेगा, उसके अंदर में आप लोग रहोगे टीएल इन द सेंस टीम लीडर। उसके बाद आपका यहाँ पर एक मैनेजर रहेगा जो कि डिजाइन इंजीनियर रहेगा, इसके अंदर में ये सब कुछ रहेंगे, ये सारे मिलके रहेंगे प्रोजेक्ट हेड के अंदर में। और प्रोजेक्ट हेड से लेकर सारा ग्राफ डिजाइन हेड के अंदर रहेगा, और डिजाइन हेड का से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कंपनी के ऑनर से रहेगा, मतलब सीईओ से रहेगा। अब भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रोफाइल में जॉब सर्च करें सर, बड़ा समस्या हो जाता है। गूगल पे डालते हैं सिविल इंजीनियर जॉब, मिलता नहीं है। तो आपको जो ये मैं प्रोफाइल बता रहा हूँ, इस प्रोफाइल को गूगल पे सर्च करिएगा, आपको 100% बेस्ट जॉब दिखेंगे। कौन कौन से भाई? एक है ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर। क्या है? ट्रेनी डिजाइन इंजीनियर सर्च करो, आपको बहुत जॉब मिलेंगे। आप ट्रेनी स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर डाल दो या फिर आर्किटेक्चर डिजाइन, वो आपके ऊपर है। सीनियर डिजाइन इंजीनियर की प्रोफाइल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डाल दो। ठीक है, एस्टिमेशन इंजीनियर की भी प्रोफाइल आप सर्च कर सकते हो, सर्वे इंजीनियर की प्रोफाइल आप सर्च कर सकते हो, इंटीरियर डिजाइनर की, आर्किटेक्चर डिजाइनर की, एप्लीकेशन इंजीनियर की, जीआईएस इंजीनियर की, इनमें से किसी भी प्रोफाइल का आप यहाँ जॉब सर्च कर लो, और जॉब सर्च करके आपको 100% मिलेंगे अगर ऐसे प्रोफाइल डालोगे। क्या होता है, गूगल पे बहुत कंटेंट है, आपकी जॉब को अलग कैसे करेगा वो? आप प्रोफाइल का नाम डालिए ना, ये प्रोफाइल का नाम डालिए, आपको जॉब अपने आप अलग अलग दिखेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता देता हूँ। ठीक है, मैं अभी पुणे में रह रहा हूँ तो आपको सबको पता है, तो मैं पुणे की कंपनियों को ज्यादा ऐड कर दिया हूँ। वैसे कंपनियां हजारों हैं, ठीक है, कंपनी का तो एग्जाम्पल है, ठीक है, हजारों कंपनियां हैं। एबिल ग्रुप है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, स्लैब इंजीनियर्स है, स्काई बिल्डर्स है, गोदरेज है, जी सोर्स है, भीम इंजीनियर्स है, टेक्नोक्रॉफ्ट है, ब्रह्मा कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा पंचशील ग्रुप है, इसके बाद प्रेसियन प्रीकास्ट है, इसके अलावा आपका स्ट्रू सॉफ्ट है, उसके अलावा आपकी बहुत ढेर सारी कंपनियां जो मतलब अभी जेडब्ल्यू कंसल्टेंट है, ऐसे हजारों कंपनियां हैं, आप उनको जॉब सर्च कर सकते हैं। और उसमें वी कंस्ट्रक्ट बीम के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप।
क्या इसके लिए सर ट्रेनिंग करनी चाहिए क्या? मतलब मैं बीटेक कर चुका हूं तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या? हाँ जी बिल्कुल, ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको। ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग आपको अपग्रेड कर देता है। आप अगर जॉब पे आज लगोगे तो हो सकता है आपको 10,000 या 12,000 की सैलरी मिले, लेकिन अगर आप ट्रेंड होके जाते हो तो डायरेक्ट आपको 15 के नीचे तो नहीं मिलने वाला है, 20 तक मिल सकता है। तो भाई सीधे क्या हुआ, 5-7 हजार रुपए मंथली का आपका इनकम बढ़ गया एक साथी, जो आप बिना ट्रेंड के गए थे और अभी ट्रेंड होके गए थे। ट्रेंड हो गया आपको ऑफिशियल जॉब मिल जाती है, बिना ट्रेंड हुए आपको ऑफिशियल जॉब नहीं मिलती है गाइस। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेनिंग क्या क्या करता है देख लो भाई। ट्रेनिंग हेल्प्स टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप एन इनसाइट इनटू द डिजाइन फील्ड। ठीक है, ह्यूज डिमांड ऑफ क्वालिफाइड ट्रेंड इंजीनियर्स, जो ट्रेंड है उनके लिए उनके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंडस्ट्री एकेडमिक गैप, एकेडमिक गैप कई लोग का रहता है 5 महीने 6 महीने का, कई लोग का गैप रहता है। वो गैप यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो, इंडस्ट्री से एकेडमिक गैप को आप मेंटेन कर सकते हो। डेवलप एस्पिरेंट्स फॉर द इंडस्ट्रीज विदाउट फर्दर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को आप खुद का भी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हो। आप चाहो तो खुद का ही काम कर लो, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो फिर भाई देखो आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए ट्रेनिंग करना चाहिए, बट ट्रेनिंग कहाँ करना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा करना चाहिए? ट्रेनिंग आप कोशिश करो कि उससे करो जिसका खुद का या तो फर्म है या फिर जिसने खुद काम किया हुआ है। फ्रेशर से ट्रेनिंग मत लो, क्योंकि बेचारा वो खुद ही परेशान है तो वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर देना भाई, नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे कवर करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी जितना मैंने प्रोफाइल ऊपर बताया हुआ है, इन प्रोफाइल्स में जाना चाहते हो, खास तौर से स्ट्रक्चर में और बीम में जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो कोर्स देख सकते हो मेरा। और ये वीडियो कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट, इसमें हमने मतलब एक एक चीज कवर कर दिया इस कोर्स में, ये है ऑल इन वन। ठीक है, ये कोर्स बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, इसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है गाइस। मतलब मेरी कोशिश यही थी कि बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए, और लगभग उसका एक रिजल्ट है ये। और अपग्रेड में इसको कर रहा हूँ, उसका कोई चार्ज किसी को नहीं लगता, ऑटोमेटिक अपग्रेड होता है ये। ऑल इन वन क्यों स्पेशल है भाई, क्योंकि ऑटो कैड है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप प्लानिंग के लिए जा सकते हो। रेविट है इसके अंदर, जिसके थ्रू मॉडलिंग के लिए जा सकते हो। स्टेट प्रो है, जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जा सकते हो। आरसीडीसी है, जिसके लिए स्ट्रक्चर डिटेलिंग्स प्लस जो भी स्टेट प्रो में निकाला उसका डिटेलिंग निकाल सकते हो। ईटैप से आप हाई राइज बिल्डिंग की एनालिसिस कर सकते हो। सेफ से आप फुटिंग का डिजाइन कर सकते हो। मैनुअल से क्रॉस चेक कर सकते हो। एक्सेल से भी डिजाइन कर सकते हो। ये सब कुछ ऑल इन वन के अंदर है, इसलिए बहुत ही फेमस है। और इसकी सारी चीजें आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर है। और इसके कंटेंट पे जाओगे तो ऑटो कैड, स्टेट, रेविट, G+2 मैनुअल, आरसीडीसी, सेफ, ईटैब, कुल मिला के लगभग 300 घंटे, मतलब 250 घंटे से 300 घंटे के बीच के पूरा ये टाइम पीरियड का ही है, जिसका फीस भी ज्यादा नहीं है, 6,000 फी है भाई। आपको बड़ी ट्रेनिंग अगर करनी है कंप्लीट, और उसमें भी ऑफर जैसे कि अभी हैप्पी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, तो केवल 3,000 का है। आपकी इच्छा करे तो आप इसको भी कर सकते हो, या फिर कहीं से भी बेस्ट जगह से आप सीखो और ट्रेनिंग जरूर करो, कि ट्रेनिंग से आपकी सैलरी का पैकेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं कि अच्छा इस टॉपिक्स की नीड है, आपको आपकी नीड समझ आएगी तभी ज्यादा बेटर होगा। कूपन कोड अगर आप लगाइएगा तो हैप्पी नवरात्रि मत भूलिएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।